मैं सब कुछ हार तेरे तो दूंगा, सब कुछ वार तेरे तो दूंगा। हो मेरे दिल विच है जो भी, वो गल सुन ले अज ओ भी तेनू जो मैं कहना। आसमान सितारों से चलने लगा। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर इस टाइप का ट्रेंडिंग रेन ड्रॉप लिरिक्स स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। गाइस, ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा डिमांड वाला वीडियो है। अगर आपको भी इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में क्या है, रेन ड्रॉप एड है, साथ में लिरिक्स वीडियो एड है और यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट एड है। आपका फोटो या फिर किसी का भी फोटो से इस टाइप का आपको भी क्रिएट करना है तो मैं आपको दो मिनट में सिखाऊंगा कैसे आप क्रिएट कर सकते हो इस टाइप का वीडियो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ये स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले आप अपना फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो ऐड हो चुका है। फोटो ऐड होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, फोटो का जो रेशियो आपको चेंज करना है, 9:16 वाला रेशियो में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट पे, देख सकते हो यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारा रेशियो मिलेगा आपको, 9:16 वाला रेशियो में कर लेना है फोटो को। उसके बाद ये जो एरर है आपको यहाँ पे +50 में कर लेना है और फोटो को इस तरह से सेट करके टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है और 9:16 वाला रेशियो में ये फोटो को कन्वर्ट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। देन अब क्या करना है, इमेज का ड्यूरेशन आपको लॉन्ग करना है। तो इमेज का ड्यूरेशन लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और इस तरह से अगर स्लाइड करते हो तो यहाँ पे इमेज का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है और यहाँ पर ड्यूरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल वाला आइकन में जाना है और यहाँ पर आपको 15 या 20 सेकंड 30 सेकंड जितना सेकंड मिनट में आपको वीडियो क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे 15 सेकंड के स्टेटस वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो ओके वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन में टिक करके देख सकते हैं इसका जो ड्यूरेशन है यहाँ पे 15 सेकंड का हो चुका है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। देन अब क्या करना है, यहाँ पे इमेज में थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, मतलब लाइटनेस ब्राइटनेस इसको घटा लेना है बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे उसके लिए फिल्टर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और फोटो को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले आपको लाइटनेस है इसको आपको माइनस करना है, -20 में रखना है इस तरह से या फिर 21 में। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट को प्लस करना है 10 या फिर 20 में कर लेना है। तो यहाँ पर 10 करता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे सैचुरेशन वाला ऑप्शन में, सैचुरेशन को आपको 10 में कर लेना है, +10 में। और यहाँ हाईलाइट को, हाईलाइट को सबसे पहले आपको माइनस करना है 30 या फिर 20 में रख कर देना है और यहाँ पे शेडो को माइनस करना है, ठीक है, -10 कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे एकदम लास्ट पे आपको जाना है, बिगनेट वाला ऑप्शन है, बिगनेट को एकदम 100 कर लेना है, +100। तो देख सकते हो आफ्टर एंड बिफोर का फोटो, ठीक है। तो अभी का फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन है, टिक कर लेना है, अगेन आपको टिक वाला ऑप्शन है, टिक कर लेना। देन यहाँ पे अब क्या करना है, PIP वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट को ऐड करता हूँ और यहाँ पे रेन ड्रॉप को ऐड करता हूँ। इसके लिए यहाँ पे PIP वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और सबसे पहले आपको फोटो वाला ऑप्शन में जाना है, ठीक है। फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये ब्लैक डार्क इमेज को ऐड कर, देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक डार्क इमेज ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको फुल स्क्रीन पर कर लेना है ये इमेज को। नीचे से देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक जैसा डार्क आ चुका है और अब क्या करना है, इसका ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है। तो लास्ट वाला आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो इन वाला ऑप्शन में टच करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो इमेज है इसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे PIP वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और सबसे पहले ये लाइट वाला वीडियो को ऐड कर, सो ये लाइट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, फुल स्क्रीन पर कर देना है इस तरह से। देन यहाँ पर टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है, ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाना है और स्क्रीन मोड में आपको कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर लाइट वाला वीडियो ऐड हो चुका है। देन अब क्या करना है, यहाँ पे रेन ड्रॉप वीडियो को ऐड करना है। देन यहाँ पे PIP वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये रेन ड्रॉप वीडियो को ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद आपको फुल स्क्रीन पर इस तरह से कर लेना है और टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है और ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाना है और स्क्रीन मोड में कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में रेन ड्रॉप ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये जितना भी मटेरियल इस वीडियो में यूज हुआ है सबका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन है, टिक कर लेना है।
देन यहाँ पे क्या करना है, अब लिरिक्स को ऐड करना है। तो लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टी वाला ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और लिरिक्स को लिखना है। तो उससे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से माय म्यूजिक वाला ऑप्शन में हम यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो म्यूजिक है यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐड होने के बाद अब क्या करना है, आपको म्यूजिक को दो चार बार आपको सुन लेना है और म्यूजिक के हिसाब से आप लिरिक्स को यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए हम म्यूजिक को सबसे पहले सुन लेता हूँ, उसके बाद लिरिक्स को लिखता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आसमा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, वीडियो का फर्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर टी वाला ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर टी वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आसमा लिख देते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने आसमा लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर आपको मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे बगल में यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें और बहुत सारा आपको कलर मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद है वो कलर आप यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे मैं वाइट वाला कलर ही रख देता हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारा देख सकते हो, यहाँ बॉर्डर मिल जाएगा, यहाँ पे शेडो मिल जाएगा, यहाँ पे लेबर मिल जाएगा, ओपेसिटी आपको मिल जाएगा घटाने के लिए बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट को चेंज, अगर आपको फॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा। जो आपको पसंद है वो ये फॉन्ट यहाँ पे आप ले सकते हो। देन यहाँ पे अगर आपको अलग अलग फॉन्ट चाहिए, अलग लैंग्वेज का भी फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये शॉप वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा, जो पसंद है वो फॉन्ट आप ले सकते हो। और अगर आपको अदर कंट्री का भी फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पे इंग्लिश वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अदर कंट्री का भी यहाँ पे फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला फॉन्ट को लेता हूँ और यहाँ पे यही वाला फॉन्ट को हम रख देता हूँ। देख सकते हो ये वाला फॉन्ट, यहाँ पे बिंदु वाला आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से एनिमेशन, तो आपको जो पसंद है वो एनिमेशन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला एनिमेशन को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन देख सकते हो यहाँ पे, बढ़ा लेना है घटा लेना है आपका मर्जी। तो यहाँ से मैं 4 सेकंड का कर लेता हूँ और यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन है, टिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे आसमान लिख दिया हूँ और एनिमेशन भी ऐड हो चुका है। और आपको बता दिया हूँ कलर कैसे ऐड कर सकते हो, फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हो, आपको मर्जी जो पसंद है वो ऐड यहाँ आपको कर लेना है ऐड। उसके बाद यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है, मतलब लिरिक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सितारों से, तो यहाँ से मैं सितारों से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे टी प्लस वाला आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले सितारों लिख देना है। ठीक है, सितारों से। सितारों से तो यहाँ तक है। सो चलिए हम लिरिक्स को एक एक करके सॉन्ग के अनुसार हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिरिक्स को पूरा लिख दिया हूँ। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। देन यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट या फिर कुछ भी चेंज करना चाहते हो लिखने के बाद भी, तो यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में जाकर फॉन्ट को आप ले सकते हो, अलग अलग फॉन्ट यहाँ पे। देन अगर आपको कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन में जाकर कोई सा भी कलर आप ले सकते हो जो पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन है, टिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है कम्प्लीटली एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए हम वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कम्प्लीटली बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह और अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। देन अब क्या करना है, वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं यहाँ पे फेवरेट इसको 16 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया और 2 मिनट में सिखा दूंगा कैसे आप इस टाइप का ट्रेंडिंग रेन ड्रॉप लिरिक्स स्टैंडर्ड वीडियो क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बचाना वीडियो के सब बना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।